नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है टेक्नो मास्टर के अगले वीडियो में, जहां हम आप लोगों को बताएंगे कि अब आप कंप्यूटर को असेंबल कैसे करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कंप्यूटर को डिसेंबल कैसे कर सकते हैं, और अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर को असेंबल कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले आपका जो हार्ड ड्राइव है और जो सीडी रोम है, इसको अपने अपने जगह पर माउंट करेंगे, और उसके बाद उसको कैसे कनेक्ट करना है सबसे पहले हम लोग इसको माउंट कर लेते हैं। देख रहे हैं, मैंने तीनों चीजों को माउंट कर दिया है। ये हमारा मदरबोर्ड माउंट हो गया है, जिसके साथ हम लोगों ने फैन को माउंट कर दिया है, और ये हमारा हार्ड डिस्क यहाँ पे पिन लगा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने सीडी रोम का भी पिन लगा दिया है। अब इसको कनेक्ट कैसे करता है और कैसे करना है और कौन सा वायर कहाँ पे लगना है, ये मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि ये वायर जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये पावर केबल सप्लायर, ये 24 पिन का है, जो कि हमारा इस जगह पे लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये पहला पिन लग गया। इस फैन के पिन को हम लोग यहां पे लगा देते हैं। ये जो 4 पिन वाला आपको दिख रहा है, ये इस जगह के लिए है। और यहां पे आपको ये ड्राइव दिख रहा होगा, इसको हम लोग सीडी रोम के साथ लगा देते हैं। और ये जो साटा केबल आपको दिख रहा है यहां पे, इसको साटा पिन कहते हैं, जिसको हम लोग इस जगह पर लगा देंगे। इसमें अब वायर बचा नहीं लगाने के लिए। अब इसको देखिए, रैम को, ये रैम हम लोग ऐसे ही किसी भी तरह से नहीं लगा सकते हैं। इसको लगाने का एक परफेक्ट तरीका होता है। यहाँ पे जो आप ये कट देख रहे हैं, जो कटा हुआ भाग है यहाँ पे, इस कट का कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का दाग किया हुआ है। ये कट जो है उस प्रॉपर जगह पे जाकर के लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। थोड़ा सा जोर से इसको दबा देना। उसी तरह हम लोग दूसरा सीडी दूसरा जो रैम है हम लोग का, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। ये दोनों रैम मेरे लग चुके हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो आप यहाँ पे ये केबल देख रहे हैं, इसको असाइन करना सबसे, ये जो केबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, पिंस देख रहे हैं, इसको असाइन करना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको ठीक से असाइन नहीं करते हैं, तो आपके सामने को जो फ्रंट पैनल पे आपका रिसेट पावर बटन है, और रिसेट बटन है, पावर बटन है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, पावर स्विच है, उसके साथ पावर एलईडी को साइन करना है, और पावर स्विच के पीछे, जस्ट पीछे, रिसेट स्विच है, और उसके साथ एचडीडी एलईडी को असाइन करना है। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग असाइन कर लेंगे। ये जो यूएसबी पिन है, इसको हम लोग वापस से यूएसबी की जगह पे लगा देते हैं। और ये जो ऑडियो पिन है, इसको भी ऑडियो की जगह पे लगा देते हैं। अब यहां पे मेरे पास बच गए हैं 2 केबल, साटा केबल जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला को इसके साथ लगाना है और यहां जोड़ देना है। ये आप रेंडमली कर सकते हैं, इसके साथ कोई ये नहीं है,
कि आपको एक नंबर किसी के साथ या दो नंबर किसी के साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको रेंडमली कर सकते हैं, आप किसी को भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं कि कौन सा नंबर किसके साथ जुड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना सेटअप फिर से तैयार कर लिया। अब इसको हम लोग चालू करेंगे और देखेंगे ये काम करता है कि नहीं है। इससे पहले मैं दोनों का ढक्कन लगा देता हूं और उसको चालू करने के लिए प्रिपेयर करता हूं। फिर से अपना सीपीयू ऑन कर लिया है और ये परफेक्टली फाइन चल रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।